आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पोयम वोकेशन, जिसे लिखे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो सबसे पहले हम लोग इस पोयम का टाइटल को समझेंगे, जिससे कि आधा पोयम हम लोग एमए ही समझ जाएंगे, फिर आधा पोयम हम लोग स्ट्रेंजा वाइज अच्छे से पढ़कर समझेंगे, ठीक है। तो वोकेशन का मतलब होता है वैसा काम जिस काम को करने में आपको बहुत मन लगे, वैसे काम को वोकेशन कहते हैं। अब आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल गया होगा कि इस पोएम में हम लोग किस बारे में पढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग लाइन बाय लाइन स्ट्रेंजर वाइज समझते हैं। बट स्ट्रेंजर वाइज समझने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें, ताकि आपको फ्यूचर में भी आपके कोर्सेज से रिलेटेड वीडियोस आपको मिल सके और मैं आपको इसी तरीके से हेल्प कर सकूं फ्यूचर में भी। ओके, तो चलिए अब हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं। व्हेन द गोंग साउंड्स 10 इन द मॉर्निंग एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आर लेन एवरी डे आई मेट द हॉकर क्राइंग बैंगल क्रिस्टल बैंगल्स देर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन देर इज नो रोड ही मस्ट टेक नो प्लेस ही मस्ट गो टू No time when he must go home. I wish I were a hawker, spending my day in the road, crying bangles, crystal bangles. Okay, before explaining the stranger, once again, I would like to remind you that this poem is written by Gurudev Rabindranath Tagore. और इस poem में वो एक बच्चे का persona लेकर लिखे हैं। बच्चे का परसोना का मतलब होता है कि इस पोयम में वो बच्चों के नज़रिए से लिख रहे हैं ये पोयम को। तो आप समझते हैं अब लाइन बाय लाइन। व्हेन द गोंग साउंड्स 10 इन द मॉर्निंग एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आर लेन जब घड़ी में 10 बजा और मैं स्कूल के लिए निकला रास्ते से एवरी डे आई मेट द हॉकर क्राइंग और मैं रोज़ देखता था एक हॉकर को। हॉकर का मतलब होता है फेरी वाला जो ठेले में कोई सामान बेचता है। एवरी डे आई मेट द हॉकर क्राइंग का यहाँ पर मतलब है चिल्लाना। बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन और वो कभी जल्दी में नहीं रहता था। देर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक और वो कोई रोड नहीं जाता था वहीं पे वो रहता था और कभी भी हड़बड़ी नहीं करता था कहीं जाने के लिए। नो प्लेस ही मस्ट गो टू नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम और वो शायद घर भी नहीं जाता था। आई विश आई वर अ हॉकर अब यहाँ पे वो जो बच्चा है तो वो सोच रहा है कि काश मैं एक हॉकर रहता स्पेंडिंग माई डे इन द रोड और मैं सारा दिन रोड के किनारे खड़ा होकर बैंगल बेचता क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। ये था फर्स्ट स्ट्रेंजर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्ट्रेंजर। व्हेन एट 4 इन द आफ्टरनून आई कम बैक फ्रॉम स्कूल आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड ही डज वॉट ही लाइक्स विथ द स्पेड He soils his cloth with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. I wish I were a gardener digging away the garden with nobody to stop me from digging. इस सेकेंड स्ट्रेंजर में बच्चा जब स्कूल से वापस अपने घर को आता है when at 4 चार बजे in the afternoon I come back from the school स्कूल से घर वापस आता है I can see through the gate of that house और मैं घर के दरवाजे से देखता हूँ the gardener digging the ground जो gardener है वो garden में गड्ढा करता है He does what he likes with the spade. यहाँ spade का मतलब होता है कुदारी। कुदारी से हम लोग मिट्टी को खोदते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है वो लड़का जो बालक है इस poem में that child is telling here that he does what he likes with the spade. और वो जो gardener है उसका जो दिल चाहता है वो करता है उस कुदारी से। He soils his cloth with dust और वो अपने पूरे कपड़े में मिट्टी लगा लेता है Nobody takes him to task और यहाँ पर nobody takes him to task का मतलब है उसे कोई नहीं डांटता If he get baked in the sun और gets wet वो अगर धूप में रहकर पूरा baked हो जाए या फिर वो भींग भी जाए तो उसे कोई नहीं डांटता फिर यहाँ पर विश करता है वो that
चाइल्ड आई विश आई वर अ गार्डनर, काश मैं भी एक गार्डनर रहता, डिगिंग अवे एट द गार्डन, और मैं खड्डा खोदते रहता पूरा गार्डन में, विथ नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, और मुझे कोई नहीं रोकता गड्ढा खोदने से. नाउ थर्ड स्ट्रेंजर. जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन. The lane is dark and lonely, and the street lamps standing like a giant, with one red eye in its head. The watchman swing his lantern and walk with his shadow at his side, and never once goes to bed in his life. I wish I were a watchman, walking the street all night, chasing the shadows with the lantern. In this third and last stanza, that child wants to be a watchman. आइए लाइन बाय लाइन समझते हैं. जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग, और जब अंधेरा हो जाता है, एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड, और माँ मुझे सोने के लिए मुझे बेड पे सुलाती है, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, और मैं अपने खुले हुए खिड़की से देख सकता हूँ द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, मैं देख सकता हूँ कि वॉचमैन कभी आ रहा है कभी जा रहा है. The lane is dark, और रास्ता जो है वो पूरा अंधेरा है, and lonely, और वो watchman अकेला है. And the street lamp stands like a giant. Street lamps जो कि जो रास्ते जो रोड के किनारे में लाइट लगी हुई रहती है, street light, तो street lamps stand like a giant. Giant का मतलब होता है पहलवान, जो बहुत मोटा होता है और बहुत बड़ा होता है. तो यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं कि जो स्ट्रीट लाइट है वो कैसा दिखता है, वो जायंट की तरह दिखता है. विथ वन रेड आई इन इट्स हेड, और उसका एक आँख उसकी लाल आँख उसके हेड के ऊपर है. द वॉचमैन स्विंग्स हिज लालटेन, जो वॉचमैन है वो अपना लालटेन को अपने साथ रखता है और उसे झुला झुला कर उसके साथ चलता है. स्विंग हिज लालटेन एंड वॉक विथ हिज शैडो एट हिज साइड, और लालटेन जब वो लेके जाता है तो उसका शैडो उसके साइड में आता है. तो इसीलिए यहाँ पर वो चाइल्ड बोल रहा है, जो वॉचमैन बनना चाहता है, वो बोल रहा है कि जो उस वॉचमैन का शैडो है वो उसके साथ ही चलता है. फिर यहाँ पे विश करता है दैट चाइल्ड, आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट, काश मैं एक वॉचमैन रहता और सारा रास्ता मैं अकेले चलता सारा रात, चेजिंग द शैडो विथ माई लालटेन, और मैं अपनी परछाई को हराता जो उस लालटेन से हो रहा है. सो दिस वॉज द होल पोएम रिटन बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर. आई होप आपको पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आया होगा. आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लें, और आपको कैसा लगा वीडियो आप मुझे ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्रेंड का भी भला हो तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.